ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रूपाली, अगर देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें तो कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 86% से भी ज्यादा हो गई है। आप इस मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? हमारा रिकवरी रेट काफी बेहतर है और जो नए मामले हैं उनमें भी अब हमें कमी दिखाई दे रही है। ये चीज समझनी होगी कि अभी भी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी बड़ी है, तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हम में हैं जो कि ससेप्टेबल हैं इस इन्फेक्शन के लिए, तो अभी भी सावधानियां बरतना उतना ही जरूरी है, बल्कि मैं कहूंगी और ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि अनलॉक 5 में तो स्कूल, सिनेमा हॉल, ये सब चीजें भी खुल जाएंगी, तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, खासतौर से अगले 5 से 6 महीनों में जब तक कि थोड़ा ठंड का मौसम है, ताकि हम अपने आप को न केवल कोरोना वायरस बल्कि बाकी और सभी रेस्पिरेटरी वायरसों से भी बचा सकें। और डॉक्टर रूपाली, अगर हम देखें तो जब से हमने मास्क लगाना शुरू किया है कोरोना काल में, अक्सर बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लोगों को घेरती थीं, लेकिन इस दौरान इनमें क्या आपने भी काफी कमी देखी है? जी बिल्कुल, जैसे खास तौर पे अगर मैं कहूँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको कि हम आम भाषा में बोलते हैं, हमारे देश का सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। जब हर कोई मास्क लगाएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखाई देगा कि जो टीबी के मरीज हैं उसमें काफी कमी हो जाएगी, तो ये भी हमारा एडिशनल बेनिफिट है मास्क लगाने का, ना केवल कोरोना वायरस और बाकी वायरसों से बचने के लिए बट बाकी टीबी जैसी बड़ी लड़ाई जिससे कि हम इतने सालों से लड़ रहे हैं उससे भी जंग लड़ने में हमें ज्यादा कामयाबी मिलेगी, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अगर हम मास्क लगाते हैं तो सभी चीजों से हमें बचाव होगा। डॉक्टर रूपाली, समय मौसम बदल रहा है और अगर किसी व्यक्ति को आम सर्दी खांसी जुकाम होता है तो अगर कोविड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सबसे पहले हमें टेस्ट के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ठंड के मौसम में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी काफी कॉमन होते हैं और हर वायरल इन्फेक्शन कोरोना नहीं होता, लेकिन क्योंकि आज के दौर में हमारे देश में पूरी दुनिया में कोरोना का पेंडेमिक है, तो सबसे पहली संभावना जो हमारे मन में आती है वो केवल कोरोना की आती है, तो इसके लिए अगर आपको कोई भी बुखार, खांसी, जुकाम जैसे तरह के कोई भी लक्षण अगर आपको हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आइसोलेशन। आपको अपने घर वालों से, अपने आसपास के लोगों से, दफ्तर के लोगों से सबसे आइसोलेशन मेंटेन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, तो अगर एक बार आप आइसोलेशन मेंटेन कर लेते हैं शुरुआती दौर में, तो आप अपने आसपास के लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं अगर आपको ये है तो, और अगर नहीं भी है तो भी जो भी आपको वायरल इन्फेक्शन है आप उससे भी इन लोगों को बचाएंगे। तो आइसोलेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कफ एटिकेट्स को फॉलो करना, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, यही प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस लड़ाई से लड़ने में मदद कर सकती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि होम आइसोलेशन में रहते हुए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और साथ ही वो परिजन जो होम आइसोलेशन वाले मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत से मरीज ऐसे हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं, न केवल उनको ध्यान रखना है बट वो परिजन जो उनका ख्याल रख रहे हैं, मतलब उनके केयर टेकर्स हैं, उनको भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो व्यक्ति आइसोलेशन में, हमें कोशिश करनी है कि उसको अलग कमरे में रखा जाए, उसका जो टॉयलेट है या वॉशरूम वो यूज करता है वो भी अगर अलग हो सके तो बेहतर है, और बाकी इसके अलावा जो भी बर्तन खाने पीने के लिए वो यूज करते हैं वो अलग रखे जाने चाहिए, वो व्यक्ति खुद अपने बर्तनों को धोए, या फिर अगर पॉसिबल है तो वो डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि वो डिस्पोजेबल बर्तन को आप फिर पैक करके अलग रखें और उनको फेंक दिया जाए सही तरीके से, जैसे भी आपका गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है उसके मुताबिक। एक दो चीजें जो और ध्यान रखनी है कि जब भी जो केयर टेकर है वो मरीज के संपर्क में आता है उसको मास्क जरूर पहनना है, और जब भी वो उनके कमरे की साफ सफाई करते हैं या उस कमरे से कुछ भी सामान लेते हैं तो उनको ग्लव्स भी पहन के रखने हैं, तो मास्क और ग्लव्स जरूर पहन के रखें केयर गिवर जब भी वो कोरोना के मरीज के संपर्क में आते हैं, और बाकी जितने भी फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस हैं जैसे कि आपके बिजली के स्विच, डोर हैंडल्स, या फिर कोई टीवी रिमोट या एसी रिमोट, इन सबको आप पीरियोडिकली डिसइंफेक्ट करते रहें, यानी कि 6 से 8 घंटे पे आप इनको सैनिटाइजर से साफ करते रहें, तो यही सब इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए?
पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही अच्छी सुविधा वाली एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास घर में ही उपलब्ध है। बिना अस्पताल में भर्ती हुए आप उसका घर में बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी फिंगर पे आप लगाया, अंगूठे पे नहीं लगाना है, बाकी जो मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और जो थर्ड फिंगर है, इन्हीं तीनों के लिए आपको इसको यूज करना है। तो सबसे छोटी उंगली और अंगूठे में लगाना अवॉइड करें, बाकी तीन उंगलियों में आप इसको लगा सकते हैं। और नेल पॉलिश अगर ना लगी हो तो ज्यादा बेहतर है, उससे भी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जब आपको सांस फूलने जैसी कोई भी तकलीफ महसूस होती है या आपको कुछ भी परेशानी हो कि जस्ट डिस्कम्फर्ट की, अगर आपको लगे कि सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं या एक्चुअल में सांस फूल रही है या सांस लेने का दर्द बढ़ गया है, रेस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं, नॉर्मल वो 14 से 16 18 तक मान लीजिए, बट अगर वो 20 या उससे ऊपर है तो मतलब वो ज्यादा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ऐसा लगता है आपको, उस समय आपको पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना है। पल्स ऑक्सीमीटर में जो नॉर्मल सैचुरेशन है वो 95% और उससे ऊपर होती है, बट अगर आप 94 या उससे नीचे है तो आप मॉडरेट कैटेगरी में सीधा सीधा शिफ्ट हो जाते हैं। उस समय आपको अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। तो अगर आपकी सैचुरेशन 95 या उससे ऊपर है तो आप घर पे होम आइसोलेशन मेंटेन कर सकते हैं, बट अगर 94 या उससे कम है तो उस समय आपको अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, यही इसका काम है। अगर आप होम आइसोलेशन में है तो बेसिकली यही चीज आपको इसमें मॉनिटर करनी है। डॉक्टर, एक चीज और है कि होम आइसोलेशन में जब ठीक हो जाते हैं कोरोना का मरीज तो उस रूम को कैसे सैनिटाइज करना है दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए? सोडियम हाइपोक्लोराइड, नॉर्मल जो ब्लीच सॉल्यूशन, तो 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसी से पोचा लगाना है। सो डेली पोचा उसी से लगाना है और जब मरीज वहां पे है तब भी कोशिश करनी है कि दिन में 2 या 3 बार वो कमरे को उससे क्लीन करें। और जो बाकी आपके 60-70% अल्कोहल बेस्ड जो भी सैनिटाइजर्स हैं, बाकी जितने भी सर्फेसेस हैं, उनसे सैनिटाइज कर सकते हैं। डोर हैंडल्स और इलेक्ट्रिक स्विचेस को अगर चाहें तो उनको भी आप सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीच सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं। घर में जो भी आपके डिसइंफेक्टेंट्स हैं आप नॉर्मल उनको यूज कर सकते हैं और उनको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर रूपाली होम आइसोलेशन के बारे में, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोरोना जो है तन की बीमारी नहीं है, बहुत कुछ मन की भी बीमारी है, लोगों के अंदर एक बहुत डर रहता है, तो कई बार हल्के फुल्के जब उनके अंदर लक्षण आ भी जाते हैं इसके बाद भी लोग टेस्ट के लिए सामने नहीं आते हैं या बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो ऐसे में मन की स्थिति को कैसे मजबूत करें? न केवल तन की, एक हद तक मन की भी बीमारी है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप एक सही मेंटल स्टेट में है, क्योंकि अगर आपका माइंड ठीक है तो आपकी बॉडी अपने आप करेगी। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम तभी अच्छे से काम करेगा जब आपका माइंड सही स्टेट में होगा। तो न केवल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपने कहा कि घबराहट है, लोगों को बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वच्छ रहें और जो भी सही जानकारी है उसको प्राप्त करें, उसको फॉलो करें। जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उससे बचना भी बहुत जरूरी है। केवल जो आपकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं उस पर बार बार आपको जो जानकारी दी जा रही है नेशनल टीवी पे, डीडी न्यूज पे, रेडियो के थ्रू, आप इसको फॉलो करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सही जानकारी हो और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी जैसा कि हम सब जानते हैं 80-90% लोग रिकवर कर जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट है जो कि हमें हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग इससे रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जो एल्डरली हैं यानी कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं या जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज है, कोई लंग डिजीज है, कोई कैंसर है या किडनी डिजीज है, ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सावधान होने की जरूरत है। बाकी तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं उनको 80-90% लोगों में 100% रिकवरी है। डॉक्टर रूपाली, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSDTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।